हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, रेडी हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल शिरिन को ड्रॉप करने, ठीक है, क्योंकि शिरिन कहाँ जा रही है जैनब दीदी के साथ? मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ जैनब के साथ। तो जैनब ने मेरे मना किया मार्केट का नाम बताना, बड़ी नहीं मैं मानती ना, नाम नहीं बताना। बट लोगों को तो वो चीज़ पता चल ही जाएगी कि कौन सा मार्केट है, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। जो मुंबई के लोग हैं उनको तो वो चीज़ के बारे में नॉलेज है ही, ठीक है। और ये देखिए मेरी बीवी का आज का कपड़ा नीलम परी। मैं नहा हुआ के कपड़ा ऐसे नॉर्मल पहनो, क्योंकि मेरे को घर रिटर्न आना है, मेरे को कहीं बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो उस दिन मैं चली गया था, आज शिरिन जा रही है दीदी के साथ, थोड़ा घूम फिर के आएगी, ठीक है। मैं याशीबाजी करने नहीं जाना, मैं याशी नहीं करने गया था, समझी ना, चोट चटक मार रहा है। चलो ठीक है, इसको फेंक के मिलता हूँ। गाइस सेम सेम बट डिफरेंट। अरे माँ कसम, इसके लिए अभी गाइस दुकान से ना शिकंजी लाया, तो अभी ये कुल्फी वाले भाई साहब को बुला के कुल्फी खा रहे, देखो दोनों खाला बन गया। ए, ओए, इधर खड़े रह के खा सीधा के। ए शिरिन ले ले उससे, हो अरे दो ना उनको भी एक, इधर आ कपड़े पे गिरेगा, इधर आ। अच्छी है, लेना फिर मेरे लिए भी, भैया मेरे को भी देना। भैया इस तरफ कोई नहीं बोलता यहाँ, मतलब आए रे तेरे। सेम सेम बट डिफरेंट। शी खाके दिखा लाख। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, और क्या देखो, देखो कितनी चर्बी वाला इंसान है। और मैंने 200 रुपए दी भैया को, तो जैन बोलती अरे इनको 7 रुपए देने का, 7 रुपए ना धुंधे बैठी, और कार्ड गिरा दी इसने इसका। अच्छा वो फिर देख ली उससे फेर के निकल के कार्ड। तो हम मार्केट पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसके बहुत सारे कपड़े वापस करने, पता नहीं दुकान वाले भैया लोग से भी कितनी लड़ाई करनी पड़ी। तो गाइस हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, और मैं पॉकी खा के घूम रही हूँ। तो ये कलर अभी देख रहे हैं, तो अभी सब चेंज कर रहे हैं, तो कलर दूसरा देख रहे हैं, वही बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर कपड़े पसंद कर लिए, अभी सब हिसाब हिसाब चल रहा है, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स अभी पसंद करे। जैन ने पहले आके इतने भद्दे कलर्स लेके गई थी, अभी तो सब देखो इतने भद्दे भद्दे कलर्स लेके गई थी सब, अभी मैंने इसके लिए अच्छे अच्छे कलर्स पसंद करा। मैंने भी एक ड्रेस लिया है इसमें से, और अभी यहाँ पर सब चल रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पर से जैनब ने लिया है ये पर्स, क्योंकि उसने एक ड्रेस लिया है उसके ऊपर हिसाब से उसने लिया है, भूल गए। हाँ बहुत यूनिक लगेगा, हाँ वो बात और अम्मी चिल्ली। और मैंने अभी एक कपड़ा लिया है गाइस, और यहाँ पर ना मैंने बहुत प्यारा फ्रॉक देखी, कपड़ा अच्छा लगा ना, अम्मी को बहुत पसंद आया। सो गाइज काफ़ी टाइम हो गया था मुझे घर आके, घर आके पहले मैंने घर थोड़ा साफ सफाई कर लिया, उसके बाद अभी लोबान भी हो गया है, ठीक है, पीछे आप देख सकते हो, और वो जल गया ऊपर की दीवार, सीलिंग जल गई। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं कुछ सामान लेना है, तो वो सामान लेकर आता हूँ मैं फटाफट जाकर, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आकर आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली घर पे। तो बने रहिए वीडियो में, मिलता आपसे थोड़ा टाइम में। सो गाइज अभी यहाँ पर ना मैंने जैनब के लिए चप्पल पसंद करी है, 2-3 चप्पल पसंद करी मैंने उसके लिए, अरे डर रही है भाई, पहले तो पेंसिल हिल पेन के चल लेती थी, अभी जब से अम्मी ने डरा दी है ना हिल के ऊपर से, उसको बहुत डर लगता है, अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर जैनब भैया को मस्का लगाते हुए, भैया कर दो, भैया कर दो। और गाइस मेरे को ना मेरी शादी में ना ऐसा कुछ पहनना था, अभी ये ब्लर दिख रहा है, रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई तुम्हारे को नहीं दिखाई जो बाल बाल सेट कर
ये देखो ऐसा कुछ मुझे पहनना था मेरे शादी में, मुझे पता नहीं क्या पहना। शादी हो गई भैया, आप क्या करें, एक और ले लो। किसे करूँ फिर? देखो ऐसा कुछ पहनना था, मालूम नहीं क्या पहना के छोड़ देते मेरे शादी में मुझे, सच्ची में। अब यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं, थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं और पसंद आ भी गया, और इसे बोल रहा है मेरे वजह से गाइस। सो गाइस अभी यहाँ पर ना जैनब थोड़े कपड़े वापस, ये कलर लेके आई थी, मेरे को पसंद नहीं आया, अभी वो चेंज कर रही है, यहाँ बैठी हुई है अभी। कपड़े देख हाँ ये कलर ही कलर कपड़े ट्राई कर रही है, और अभी ना इसको यहाँ पर नहीं चार्जिंग का कॉर्ड करंट भी लग गया, लगा मेरे को ना हाथ में दुकान पे गिराक को भी बुला रहे, करंट भी दे रहे। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी निकल चुके हैं, और ओ देखो अच्छा भाई बोली कौन आके हो रहा है लोग तो अभी हम लोग है ना निकल चुके, बोले कौन सा बोल रहा है तो हम लोग ने ले लिया लेने के, और आज गाइस लिटरली जैनब कहीं ना कहीं ये रियलाइज करेगी कि कल इसने कितने कपड़े लाई थी, कुछ कितने थाउजेंड वेस्ट करी कल, 35,000 कल इसने वेस्ट करी, और बिल्कुल ही मुझे ना इसके एक भी कलेक्शन पसंद नहीं आए थे कल के, इतने बकवास कलर आई थी जैसे एक एजेड आंटी लोग के टाइप के, और मेरे को मालूम है इसमें ये सब सूट नहीं करता है, तो मैं आज उसको बोली तो मैंने बोली आज अपन जाते हैं जाके साथ में लेके, अभी साथ में आई जैनब सच बताना मैंने कितने प्यारे प्यारे कलर सब कुछ अच्छे चॉइस करके इसके लिए सब कुछ लिया, मैंने ये ना थोबड़ा नहीं बता दिया ना इसका, मैं तो इसके सामने दिखा देती थी आपको, सच बताना मैंने कितने अच्छे से कलर चॉइस करी, और सस्ते में सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम चीप हुआ, देखो जो एक्चुअल में आज की कॉस्ट है तकरीबन, बट चीज़ें बहुत मिली तुझे, कोई भी चीज़ इसको ख़राब नहीं मिली। तो गाइस प्लीज़ मैं अपना नंबर मेंशन करती हूँ, मेरे पे रहम ताकि मेरे 52,000 देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर एक एक रुपये भी डालेंगे ना तो बहुत हो जाते हैं, 52,000 डाल दो प्लीज़ तो शॉपिंग के लिए, और मेरे को भाईजान ने एक ड्रेस दिला है, एक ड्रेस भाईजान ने दिला है, और बाकी का एक जो मटेरियल भाईजान ने इसकी इसको एक ड्रेस दिला है, और मुझे कुछ नहीं दिला है कभी जिंदगी, क्या झूठी औरत है, बहुत झूठी औरत है। अब मेरे को एक ड्रेस दिला है, और ना मैंने एक मटेरियल ली गाइस, बहुत प्यारा मटेरियल है, बहुत हटके मटेरियल है ना जनाब, वो एक ही पीस था उनके पास, और वो जस्ट आया था, उन्होंने मेरे को बोले कि मैडम ये एक ही पीस अब भी जस्ट आया, मैं अब भी लगाया इसको, उनके पास ना एक ना 7,500 का सूट था ब्लैक वाला, ब्लैक कलर का पसंद आया, इतना पसंद आया सबसे पहले मैंने देखी थी सिस्टर, एकदम से साइज हो गया, हां वो एकदम नंबर वाला था, साइज नहीं है मुझको पीस, और मुझे बहुत जोर से करंट भी लगा, उसका हाथ अभी दुख रहा है। तो अभी हम लोग बस निकल चुके घर के लिए, पहुंच जाएंगे अभी कुछ 10-15 मिनट्स में, तो आपसे तकरीबन मेरे 13 ड्रेस आए 52,000 बता, 13 ड्रेस 52,000 ठीक है गाइस, तो डोनेट कीजिएगा। सो गाइस हम लोग जैसे ही घर पर आए, दोनों बहन लोग टूट पड़े खाना खाने के लिए, मैंने हमने बनाया था अंडा कड़ी, फटाफट खाना खाया, मैंने गोली नहीं खाई सुबह की मेरी, फटाफट फिर मैंने गोली गोली खा ली, अभी मैं जा रही ऊपर दीदी जाने के लिए, ऊपर अम्मी के पास, तो अम्मी ने बोले थे ऊपर आने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ अभी ऊपर, सब खाई गई मैं खाई हूँ ना, मैं खाना खा बोलता हूँ, अभी देखते कैसे ना क्या नहीं, तो मिलते आपसे थोड़ा वक्त में। सो गाइस काफ़ी टाइम हो गया अम्मी के वहाँ आकर, पहले तो मैं आया शिरिन के लिए लेमिनेट वगैरह लेकर आया हूँ दीदी के वहीं, तो अम्मी का कॉल है, मैं ऊपर गया था क्योंकि अम्मी ने बनाए थे मीठा चावल, तो फातिहा दिलवाने के लिए लेकर गया था मैं एक भवन में इमाम साहब के पास मस्जिद में, फिर वो फातिहा दिलवा के वहीं पे तकसीम कर दिए उसको, और मैं आ गया अभी रिटर्न, अभी जा रहा हूँ पर अम्मी के वहाँ बर्तन वगैरह रखता, फिर उसके बाद मैं आप सुन लेता हूँ, सो बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अम्मी ने मीठा चावल बनाया इतना सारा, अभी कैफ मीठा चावल खा रहे, और मैं तो खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पर जैनब के लिए भी मैं डब्बे में कटोरे में डाल दी, और ये मीठा चावल है ना रायला दीदी को पसंद है, अम्मी हाथ का मम्मी को पसंद है, डैडी को भी पसंद था। तो गाइज अभी ना एक आंटी है इंस्टाग्राम पर, बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, और ना मैंने उनकी आईडी ना देख रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने जैनब को बोला भी, जैनब आंटी ना बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, तो जैनब डोडी हाँ करी, फिर अभी ना ऐसे बैठे थे, तो बैठे बैठे ना अचानक से जैनब को ऐसे बताई मैंने, देख कितना अच्छा अचार बनाते आंटी है वो करके, जैनब बोली
दिखा आईडी दिखा, तो फिर मैंने आईडी दिखाई तो जैनब ने हाँ, तो अभी सीन क्या हुआ, फिर अब आंटी को हम लोग ऑर्डर करेंगे, तो आंटी बोले बेटा मेरा पूरा स्टॉक ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है, और अभी मैं थोड़ा अचार डालूंगी, मैंने लाल मिर्ची का अचार मंगाया आंटी से, तो वो देखेंगे हम लोग कैसा है कैसा नहीं, फिर अभी बारिश के बाद ही हमको मिलेंगे जो भी अचार। और अभी मैं कर रही हूँ खाना गर्म, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरी आंखें सूजी हुई इसलिए क्योंकि मैं सो गई थी, बहुत अच्छी नींद सोई थी मैं। अभी मैं थोड़ा खाना गर्म कर देती हूँ मेरे लिए और खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इंस्टाग्राम पर एक डॉक्टर है जो ना ऐसी स्कार्फ ओढ़ के ऐसी ड्रेस पहन के घूमती है, तो ना अभी जैनब ने बोली मैं हूँ डॉक्टर, तो मुझे अचानक से ना उसको देख के वही याद आया, मैं नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ, मेरी हर डिलीवरी नॉर्मल होती है माशाल्लाह, और इतने सारे कपड़े अभी लेके आए तो जैनब सब अच्छे लगे, और अभी से भाईजान को भी बताए, भाईजान को भी सब अच्छे लगे, और ये जैनब की पसंद का पता नहीं क्या है। तो गाइज मेरे को ना मलाई पराठा खाने का मन हो रहा था, और जैनब ने देखो मलाई घी और मस्त, तो भी मलाई पराठा बनाई है मस्त मीठा मीठा, और मिल्क मीट सब कुछ दाल वाल पता नहीं कैसे बनाई है, अभी है, मैं खाऊंगी, मैं इतना तड़प रही थी मलाई पराठा, और फाइनली उसने मुझे बना के दे दी, और देखा ये होते हैं फायदे और मेरी हालत है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पराठा रेडी है, और जैनब ने जैसे तैसे बनाई मेरे लिए, क्या है देखो क्या है, तो मैं खाती हूँ फिर आप लोग से मिल। गाइस लिटरली क्या बोलूँ, एक नंबर पराठा बनाई है, एक नंबर, बहुत यम है, बहुत यम, मज़ा आ गया खा के। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर, और ये देखो सर जी आ गए, और हालत देख सकते हो काजल कैसा लगा हुआ है, मैं कैसी हो चुकी हूँ, क्या हो चुका है मेरे साथ, और जिंदा है तो, और मैंने कपड़ा वपड़ा जो ली हूँ आप लोग को बता दूँगी, और मटेरियल जो ली हूँ, और अपना मेरे को एक ड्रेस तो भाईचान ने दिला है वो भी आप लोग को बता दूंगी, बहुत प्यारा लगा मुझे वो, 90s वाली फीलिंग आई वो ड्रेस देख के, लेमिनेट का है ली मैंने, क्यों वेट बाय वेट, तो गाइस मिलते हैं अभी तक। तो गाइस यहां देख सकते हो ये ड्रेस मैंने लिया है, ये सामने से बहुत प्रिटी है लिटरली, ये मुझे 90s की वाइब दे रहा है, जो हम साथ साथ में करिश्मा कपूर ने पहना है, करिश्मा कपूर ने पहना है, और मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत हटके लगा कि यार मैंने इसे कभी वेयर नहीं किया है, तो मैंने पहली बार लिया है, मैं थोड़ा सोच समझ के इसको अलग तरीके से सिलवाऊंगी। तो अभी मैं आपको दूसरा एक मटेरियल बताती हूँ, जो मटेरियल मैंने लिया है ये मेरे को भाईजान की तरफ से, ये मैंने ड्रेस है मेरा, ठीक है अब मेरा दूसरा ड्रेस दिखाता हूँ आपको मटेरियल। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने ये कपड़ा लिया है, ये मटेरियल है ठीक है, ये पूरा कुर्ती टाइप का मटेरियल है, अगर आप चाहे तो कुर्ती बना सकते हैं, आप चाहे तो क्या बोलते हैं क्या कुर्ती ही बना सकते हो, नहीं गाउन भी बना सकते, मैंने बात की थी वहां पर, और ये देख सकते हो गाइस कितना हैवी, और ये जस्ट आके लगा था वहां पर बुटीक पे, और भैया ने बोला ये अब भी जस्ट मेरे को सामने से, ये एक ही पीस था और था भी नहीं, क्योंकि जैनब को भी पसंद था, तो जैनब ने बोला मेरे को भी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं अब बहन एक ही पीस है और नहीं है, तो फिर मैंने ये ले लिया था पहले, तो जरा जरा ठीक है चलेगा, क्योंकि बहुत यूनिक है, और मैं इसके नीचे ब्लैक तो नहीं सीऊंगी, डिफरेंट कलर सीऊंगी, क्योंकि ब्लैक तो हर कोई पहनेगा, बट हम थोड़ा टेस्ट को कर देंगे अलग, और कैफ को ये पसंद नहीं आया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं जब सीऊंगी पसंद आया वो भी बोल रहे, बस मैं जब सीऊंगी तो आप लोग को बता दूंगी गाइस। तो गाइस अभी येलो लाइट चालू करें, और आप देख सकते हो ये वर्क, आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा, अगर जिस किसी को भी थोड़ा नॉलेज होगा ना ऐसे सब ड्रेसों में तो वो जरूर बताएगा, मेरे को रुला दिया यार मैंने। गाइस मुझे जो चीज नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी, मैं वो ही बोलूंगा ना यार, इसने वीडियो कॉल पे मेरे को दिखाई कुछ और, मैं तो कुछ और दिखाई कुछ और आई, पर इसको लगा कि मैं कपड़ा दिखा रही, पर मैं कपड़ा नहीं दिखा रही, दिखा रही थी ना, तो बस गाइस यही खत्म होता आज का मेरा दिन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो और शिरिन ने जो आज शॉपिंग करी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल केएफ शिरिन व्लॉग्स।
इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस।